क्रास कल्चरल कंपैरिजन में हाउ द थ्योरी लुक लाइक बेसिकली ये जो हमारा काम है ये हमने थ्योरी से ही शुरू किया है कि क्या एंडरसन की जो कोड ऑफ द स्ट्रीट थ्योरी है वो आ, सिर्फ यूएस तक लिमिटेड है या आ, उसका हम क्रास कल्चरल कंपैरिजन भी कर सकते हैं क्या यूलेंट यूथ का वायलेंट जो अमेरिका के अंदर है और ख़ास तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन में क्या उसी तरह के ट्रेंड्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन आल्सो बी सीन स्पेशली थ्री कंट्रीज़ में पाकिस्तान जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका में और ये क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन है बिटवीन द थ्योरेटिकल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज वाइल टेकिंग एंडरसन थीरी ऑफ द कोड ऑफ द स्ट्रीट एज ए बेस और उसको समझने के लिए यानी एक किस्म की क्या कोड ऑफ द स्ट्रीट थियरी जो है वो एंकर कर रही है बाकी कंट्रीज में जो यूथ वायलेंट बिहेवियर है उसकी रिफ्लेक्शन है या उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है ये तो बेसिकली ये हमारा थ्रिटिकल है जो कोड स्ट्रीट कोड थीरी है वो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ एंडरसन uh, कहता है कि ये यंग लोग जो हैं ये बेसिकली uh, ये कल्चर सब कल्चर थीरीज में से एक थीरी है कि जो वायलेंस uh, है वो बेसिकली स्ट्रीट पे ऑपरेट होता है और वो ऑपरेट इसलिए होता है कि लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं यानी यंग लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए उन्हें ऑनर किया जाए या इज़्ज़त दी जाए वो अपनी उनके पास अनर्जीज़ होती हैं तो उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन चाहते हैं इन द शेप ऑफ मस्कुलैनिटी पावर टफनेस वो दूसरों को शो करना चाहते हैं वी आर द स्ट्रांग वन इसलिए लड़ते हैं अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अपनी पावर को शो करने के लिए अपनी टफनेस को शो करने के लिए जितना बड़ा लड़ाक्यू हो गया तो इवन हमारे कल्चर में भी उसको कहते हैं वाह क्या बदमाश है यार इससे ज़रा बच के तो लोग बेशक बाद में जो मर्जी बातें करते हो लेकिन सामने तू तो भाई इतना बड़ा स्ट्रांग बड़ा स्ट्रांग है यार क्या बात है तेरी तो ये बेसिकली क्या है कि ये वो है जो सब कल्चर वहाँ एग्जिस्ट करता है एंडरसन ने बेसिकली जो काम किया है वो अफ्रीकन अमेरिकन पापुलेशन पे काम किया और ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन पापुलेशन ये ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन फैसर है वर्किंग इन यूएस और इसका काम पहले फिलाडेल्फिया पे था बट लेकिन ये कल्चर जो है ये सिर्फ फिलाडेल्फिया तक लिमिटेड नहीं है दिस कल्चर कैन बी सीन इन द गैंग्स अमंग न्यूयॉर्क शिकागो गैंग्स द फेमस गैंग हम जनरली पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस है कि हम समझते हैं कि ये सारा कुछ सिर्फ पाकिस्तान में होता है हकीकत में ऐसा नहीं है दुनिया के हर मुल्क में हर पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एग्जिस्ट है जिनमें से एक ये है कि uh, हम कहते हैं कि ये गैंग्स ये वो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होते हकीकत ये नहीं है वहाँ पर भी होते हैं लेकिन नेचर डिफरेंट है ये सिर्फ हमारे पास नहीं है ये हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं तो एंडरसन ने बेसिकली इसको सब कल्चर थीरी में किस्म का परोने की कोशिश की और बताया एंडरसन साथ में ये भी कहता है कि मैंने दो तरह की फैमिलीज़ फाइंड की हैं एक वो फैमिली है जो डिसेंट फैमिली है और दूसरी वो है जो स्ट्रीट फैमिली डिसेंट फैमिली जो है वो बेसिकली क्या है वो शरीफ लोग हैं उनका अपना घर है मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है घर की जो चीज़ें ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं अपने बच्चों की लोग को आफ्टर करते हैं उनको अप ब्रिंगिंग करते हैं दूसरी वो स्ट्रीट है जो दूसरी स्ट्रीट फैमिली है वो स्ट्रीट फैमिली क्या है कि उनके पास खाने को बहुत कम है गुरबत है लोग उनकी इज्जत नहीं करते लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो वो स्ट्रीट फैमिली जो है वो बेसिकली स्ट्रीट पे आती है और वो चाहती है कि उनको भी उसी तरह से रिस्पेक्ट दिया जाए ऑनर दी जाए और उनको भी इक्वली सिटीज़न कंसिडर किया जाए अगर वो ऐसा ना हो तो वो फिर मस्कुलेंिटी अपनी पार शो करते हैं कि नो वी हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट वी हैव टू अर्न द दिनर एंड रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू शो द टफनेस एंड वी हैव टू शो दैट वी आर अ फैमिली वी आर पार्ट ऑफ यू नो योर सब कम्युनिटी एंड कल्चर और उसके लिए वो फिर वायलेंट मीनस यूज़ करते हैं एंडरसन वर्क बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एथनोग्राफिकल रिसर्च इन जर्मन टाउन डिप्राइव्ड अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड इन फिलीडेल्फिया और एज वेल एज इन पेंसिल्वानिया इसने 1970 से लेके 1990 तक ये पाकिस्तानी रिसर्चर समझते हैं कि रिसर्च बस गप शप का नाम है जबकि देखिए 20 साल तक ये कम्युनिटी के अंदर रहा ऑब्जर्व करता रहा इसकी वीडियोस पढ़ी हैं अगर आपको मौका मिले आप उन वीडियोस को देखें ये एक्सप्लें करते हैं अल्दोग इसका एक्सेंट बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन स्टिल ही इज़ अ वंडरफुल गाय और अमेरिका के अंदर इसका काम को बहुत अप्रीशिएट किया जाता है ख़ास तौर पर कोड ऑफ द स्ट्रीट को एलिजा एंडरसन जो है ये बेसिकली अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी काम कर रहा है और इसका जैसे कि मैंने कहा ट्वेंटी ईयर्स लॉन्ग फील्ड वर्क है फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते कराते तो ये तकरीबन 30 साल, 30, 40 साल पुराना काम है जो जाहिर है उसने पहले किया होगा फिर डॉक्यूमेंट किया और फिर पब्लिश किया तो लेकिन ये एथनोग्राफिक वर्क जो है ना स्टार्टेड इन 1970s एंड एंडेड इन 1990s। इसका जो दो कोर प्रिंसिपल इज इंडिविजुअल नीड टू रिएक्ट टू एंड इन अकॉर्डेंस विद नेबरहुड स्ट्रक्चरुड इंडिविजुअल को जो नेबरहुड के अंदर एक रिएक्शन है वो शो करने के लिए कि वो क्यों और किस तरह से करते हैं तो ये बेसिकली इसने कंपैरिजन किया ऑब्जर्वेबल बिटवीन द डिसेंट एंड स्ट्रीट फैमिलीज इंडिविजुअल्स नाम्स एंड वैल्यूज़ और इसने स्ट्रीट कोड थ्योरी की बेस दी और इसने कहा कि रिस्पेक्ट टफनेस मस्कुलिनिटी एंड सो एंड सो एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये जो ये स्ट्रीट के ऊपर जो लोग रह रहे हैं ये गैंग की फार्म में है उनके दरम्यान में हरारकी ऑफ़ रिलेशनशिप है उनका कोई एक लीडर होता है गैंग का और सब लोग उसके एंट्री एंड एग्जिट के सर्टेन पॉइंट्स होते हैं गैंग का मेंबर बनने के लिए ये सारा का सारा जो है वो वो कहता है कि ये ऑपरेट कर रहा होता है एक सब कल्चर के अंदर और वो सिर्फ़ और उनके दरम्यान में लैंग्वेज होती है इवन अगर आप हमारी एग्जांपल लें कराची के अंदर भाई की जो टर्म यूज़ होती है तो वो बदमाश के लिए यूज़ होती है या इवन बाकी पंजाब के अंदर भी बदमाश की टर्म जो यूज़ होती है वो वायलेंट पर्सन के लिए तो ये बेसिकली एंडरसन ने अमेरिकन कॉन्टेक्स में ये थीरी दी थी और हमने इस थीरी को इवालवेट किया कि क्या इक्वली एप्लीकेबल है इन थ्री कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू मेक अ कल्चरल क्रॉस कल्चरल कम्पेरिज़न